जेट का जो हॉल है, हॉल सही है, हॉल में कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको मच्छरदानी को बांध देंगे अब बढ़िया से। नमस्कार दोस्तों, फिर से न्यूडी में आपका स्वागत है। तो आ गए हैं जहाँ जेट पंप, जैसे जेट पंप पूरा खराब हो गया था, जेट पंप क्या पानी नहीं दे रहा था। जेट पंप अभी इसको पूरा पाइप को खोलेंगे, तो पहले यूनियन खोल रहे हैं, यूनियन खोल लेंगे। यूनियन खोलने के बाद पूरा इसको पाइप को निकालेंगे। इसका क्या, इसका फॉल्ट कहाँ पे है वो आप लोग बताएंगे। इसका क्या पानी भाग जा रहा है, पानी क्या, पानी डाल रहे हैं, 2 बाल्टी पानी डाल दिए थे तब भी पानी भाग जा रहा था। अभी पानी इसका पूरा पाइप लाइन निकालेंगे, निकाल के आप लोग दिखाएंगे क्या इसका प्रॉब्लम। तो वीडियो में रहे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फटाफट इसको उठाते हैं अभी। उठाओ इस जेट पंप में 14 पाइप लगा हुआ है और 100 फीट सोचे थे कि 100 फीट या 12 पीस होगा, मतलब 14 पीस पाइप लगा हुआ है। और इसका फुटबॉल देखना, चेक करके क्या फुटबॉल हुआ। तो यही पूरा पाइप है 14 पीस, 14 दुनिया 28 पीस। इसका जेट खोलते हैं, खोल के पूरा दिखाएंगे आप लोगों कि जेट में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो थोड़ा पानी भी पहले पी लें, उसके बाद यही करमटम का जेट पंप जो है, हम लोग यहाँ आए थे जो पानी डाल के देखे थे, पानी चला, पानी डाल के पानी ले नहीं रहा था। तब इसका पूरा पाइप भी निकाल दिए, जेट भी निकाले हैं। यही जेट है, जेट का पूरा पाइप, तो इसमें मिनिमम 14 पीस पाइप दिया हुआ है, 1.25 इंची और 1 इंची। और ये करमटम का जेट पम्प है, बोरिंग हो रहा, बोरिंग बना मुनी कितना बोरिंग, 200 फीट है। पानी के लेवल मिनिमम 10 फीट पे पानी है। जेट पम्प पानी बहुत बढ़िया दे रहा था करीब 6-7 साल से, अभी 7 साल के बाद ये पानी थोड़ा बहुत दिखता होगा।
अब है फुटबॉल चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद लगाएंगे ऐसे जेड जेड का, और इसमें जेड जो है पूरा फर्स्ट क्लास है, जेड को कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा एकदम इसको अभी चेंज करेंगे, चेंज करके नया लगा देंगे, उसके बाद चालू करेंगे। यही पानी चू रहा था, जो पानी आपका ये रहे यही पानी चू रहा था। तो फटाफट इसको लाते हैं नया, नया लगा के चालू करते हैं जेट को। तो अभी आ गए हैं, आ गए हैं, फुटबॉल भी लेके आ गए हैं, फुटबॉल वाला नया फुटबॉल लेके आए हैं। तो उसको लगाएंगे और लगा के पूरा इसको पानी में चालू करेंगे, और इसमें से एक पाइप कम कर देंगे। हो सके एक पाइप, क्या है कि पाइप इसका थ्रेड टूट गया है, 14 पाइप था 13 पाइप कर देंगे। और पूरा डाल के अभी इसमें एक दो पाइप टूट गया था खोलने में, लिए तो ही निकाल रहे हैं पूरा भी पाइप। और मोटर इधर है, मोटर अभी सूत रहा है आराम से, अभी चालू होगा तो उठेगा। तो ये पूरा फुटबॉल है, ये पूरा क्रम्पटन का ही फुटबॉल मंगाए हैं, क्या कि क्रम्पटन का मोटर लगा हुआ है, क्रम्पटन का ही फुटबॉल मंगाए हैं, सेम है। इसको भी डाल के चेक कर लेंगे एक बार, इसमें पानी नहीं चूरा है, एक बार भरे एक बार में पानी नहीं चूरा है। और उसमें क्या है ये पुरनकट, इसमें पानी नहीं चूरा, इसमें पानी चूरा है, दोनों में अंतर है। इसलिए अब इसको हटाएंगे, इसी को लगाएंगे, ले 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 ले। इस समय फॉल्टाइट नहीं मारेंगे, क्या टेपलन मारेंगे। टेपलन का मारने से क्या होता है कि कभी भी खुलिएगा आराम से खुल जाएगा। तो अभी इसमें मार देंगे, थोड़ी इस फुटबॉल में भी आपको टेपल मार लेना कि कभी भी खोलने में आराम पड़े, दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना होगा इसमें, क्या कि लीकेज से ज्यादा कम होता है। इस फुटबॉल में मच्छरदानी बहुत जरूरी है, क्या कि मच्छरदानी नहीं बांधिएगा तो क्या होगा कि आपका छोटा छोटा कंकड़ भी जाता है। तो मच्छरदानी बांधने से क्या होता है, छोटा छोटा कंकड़ नहीं जाएगा, जब मोटर चलता है तो क्या कंकड़ को भी टान लेता है। अब वही कंकड़ रिटर्न बैक आता है, जब पानी मोटर बंद होता है तो क्या होता है फुटबॉल में या चिल्लम में कहीं अटक जाता है, और उसी कारण मच्छरदानी बांधना बहुत जरूरी है। पहला पाइप है, पहला डाल रहे हैं, एक ही बार लास्ट में आप लोगों को दिखाएं, क्या कि 13 पाइप है और 13 पाइप दिखा नहीं सकते हैं, एक एक पाइप दिखाएंगे तो घंटा और लग जाएगा, इसलिए इसको पहले भी डाल ले रहे हैं, एक ही बार लास्ट में दिखाएंगे। जय श्री राम। हो गया भैया, लास्ट पाइप है ये, और लास्ट पाइप पर पानी उन्हें डाल के इसको एक बार चलाएंगे। दे पानी, दे तो पानी इसमें भी डाल दे रहे हैं पानी, क्या कि पहले ही भर लेंगे, क्या उसके बाद पानी मोटर से भरेंगे, एक बार पानी वहाँ से सपाटा कर लेंगे, एक बार पानी बहा लेंगे इस पाइप से, और उसके बाद पानी मोटर से भरेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो आप लोग को मिला था, जो जेट पंप पानी किसी छोड़ दे तो कैसे उसको बनाए। तो जेट पंप पानी अगर आपका हल्का फुल्का अगर छोड़ दे तो आप एक दो बार पाइप को हिला दीजिएगा, हिलाने से क्या होता है पानी का फुटबॉल जो खिलता है, फुटबॉल ऑटोमेटिक पानी धर लेगा और पानी आपका फुटबॉल तक मोटर तक आ जाएगा। अगर एक दो बार नहीं हिले तो 4-5 बार हिला दीजिएगा, हिलाने से क्या होता है फुटबॉल खिल जाता है। अभी बारिश के समय में क्या होता है फुटबॉल कभी काल जाम हो जाता है, हल्का फुल्का कंकड़ उकड़ आने के बाद से कंकड़ जाम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ 2-3 बार हिलाएं और नहीं हिला, इसमें लास्ट में इसको खोलना पड़ा, और खोलने के बाद फुटबॉल खराब था, फुटबॉल उसको चेंज किए, और पूरा पाइप खोले, इसमें 14 पाइप था, 14 पाइप एक पाइप टूट गया तो उसको चेंज कर उसको हट रख दिया, इसमें 13 पाइप लगा रहे हैं।
तो ये बोरिंग है 200 फीट, आए पानी इसमें बहुत अच्छा मिला है। पानी मिनिमम 15 फीट में है या 12 फीट में पानी है, 12 फीट में पानी है, पानी का कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शुरू में फर्स्ट में लगाए थे ऐसे करीब 6-7 साल पहले लगाए थे, उस टाइम पानी बहुत बढ़िया दिया था बोरिंग में। तो अब इसको डाल लू के पूरा एकदम चालू करते हैं तो पानी भर रहा है। पानी भर जाने के बाद एक बार पानी पूरा वॉश करेंगे उसमें, जो मोटर से पाइप यहाँ तक आया हुआ है नीचे करो बंद कर, तो इस पाइप को पूरा पानी डाल के एक बार इसको पहले वॉश कर लेंगे, क्योंकि जो भी कचरा वचरा होगा तो निकल जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद मोटर को चालू करेंगे। तो सुबह से लगे हुए थे करीब 11 बजे यहाँ आए हैं, 11 बजे से अभी शाम का 5 बज गया है। लाइन तो है अभी, लाइन चालू करके देखते हैं तो फटाफट अभी चलते हैं देखते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए सिस्टम बता रहा है कि पानी भर चुका है, एक तरफ से पानी डालना है एक तरफ से पानी निकल जाना है, मतलब पानी मेरा फुटबॉल कुछ कोई दिक्कत नहीं, आराम से पानी देगा। कहीं एक तरफ से जाना चाहिए एक तरफ से आना चाहिए, सामने से ले तो से जाना चाहिए। तभी इसमें उन्होंने टाइट कर दी, पानी उन्हीं सब डाल के चेक कर लिए। तो अभी रवि उधर पानी डाल रहा है, पानी डाला जाएगा, पानी डालने के बाद चेक किया जाएगा कि कितना क्या है, पानी भर जाएगा उसके बाद दिखाएंगे आप। तभी पानी नीचे डाल दिए हैं, पानी डाल के लाइन देने वाले थे कि लाइन भाग गया। तो हम लोग के यहाँ झारखंड में बहुत ज़्यादा ही लाइन कटता है, बिजली बहुत ही ज़्यादा कटता है, और बिजली कट रहने के कारण बहुत परेशान है। जब काम पड़ेगा तो बिजली कट, तो अभी लाइट आ जाता है। लाइट आ जाने के बाद आप लोग को मोटर को चालू करके दिखाएंगे प्रेशर भी, और के जेट पंप में मिनिमम 45 से 40 मिनट में 1 लीटर पानी देगा, तो वही हिसाब से प्रेशर भी रखना है। ज़्यादा प्रेशर दिएगा तो हमेशा एयर का जमीन लगेगा। तब इसको पूरा भी खोलेंगे, पूरा भी प्रेशर खोल देंगे आपके सामने, प्रेशर भी बंद कर दिए हैं, लाइन आने दिए। लाइन आने के बाद पूरा एकदम प्रेशर खोल के आप लोग को दिखाएंगे प्रेशर कितना दे रहा है करमटम का जेट पंप। तो अभी मेरा मोटर चालू हो गया है, और चालू होने के बाद देखिए पानी नल का ही 200 नल का प्रेशर कम है, और यहाँ फुल प्रेशर खोले हुए हैं, यहाँ फुल प्रेशर खोल दिए, पूरा फुल नट खुला हुआ है। तो जेट पंप में फुटबॉल भी खराब हो जाएगा तो आपका पानी नहीं देगा, अगर मतलब जेट भी अगर जेट का मुंह अगर बड़ा हो जाएगा तो सही पानी देगा। जेट में अगर मुंह बड़ा हो जाएगा तो अगर प्रेशर पानी आपका धरेगा उसका जो चिलम के नीचे जो मुंह रहता है, अगर मुंह बड़ा हो जाए तो क्या होगा कि जेट में पानी आपका धरेगा मगर पानी देगा नहीं, पानी ऐसा पकड़ेगा जब पैसे प्रेशर खुलेगा वैसे ही बंद हो जाएगा। तो अभी फिलहाल जेट पंप मेरा चालू हो गया, और अभी चालू हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पानी दे रहा है पूरा। इधर उधर लगा दिए हैं इंजन इंजन सब, इसको बोरा वोरा से ढक दिए क्या कि कोई चूहा तुआ नहीं घुसे। तो अभी ढक्कन को भी ढक देंगे, ढक्कन को भी ढक देंगे, और ढक्कन ढक के आराम से अब ये हो गया सेफ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर जेट पंप आप लोगों को नहीं बनता है तो आप हमको मैसेज कीजिए, और जेट पंप अगर नहीं बना पा रहे हैं, जगह जेट पंप आपको कोई मिस्त्री नहीं बना पा रहा है, उस जेट पंप को भी हम लोग बना, आप लोग मैसेज कीजिएगा। और अगर मेरा नंबर चाहिए तो इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, आराम से नंबर मिल जाएगा।